हेलो फ्रेंड्स, कुछ मज़ेदार हो जाए। मैं आज मैं एक झटपट रेसिपी फिर से लेके आई हूँ जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो इस दिवाली की सफाई में अगर आपको भी बहुत थकान हो रही है और झट से कुछ बना के खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा बैंगन लिया है जिससे हम भरता बनाते हैं बैंगन का, और उसको मैंने गोल गोल रिंग्स में काट रही हूँ। तो ये रिंग्स हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। तो इसकी हम रिंग्स काट लेंगे, और ये देखिए इतनी मोटी मैंने रखी है। तो ये रिंग्स हमारी तैयार हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही बेसिक से घर के मसालों से झट से बनके तैयार हो जाती है। तो इसके मैरिनेशन के लिए मैंने 2 चम्मच कोरिएंडर यानी धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच के करीब या उससे कम हल्दी, ये 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च है, और 1/2 चम्मच कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करी हुई है। इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट है, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट 1/2 चम्मच जो मैंने इसमें डाला है, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट करके डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ये 1 चम्मच तेल है इनको इससे बाइंडिंग के लिए, और ये 1/4 नींबू जो मैंने इसमें से निचोड़ लिया है, और इसे मिक्स करके एक बढ़िया सा मसाला हमारा मैरिनेशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये मिक्स कर लिया, ये हमारा मैरिनेशन का मसाला रेडी है। तो इसमें हम एक एक करके ये बैंगन के रिंग्स इसमें डालेंगे, इसे मैरिनेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें प्रिक भी कर सकते हैं फोर्क की मदद से, बिना उसके भी ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। तो एक एक करके हम अपनी सारी रिंग्स मैरिनेट कर लेंगे। ये देखिए तैयार हैं सारी, बस अब इसे 5-10 मिनट के लिए रख दें चाहे तो। और इसके बाद हम एक पैन में मैंने बड़ा चम्मच तेल ले लिया है, और इसके गर्म होते ही ये रिंग्स हम इसमें डाल लेंगे। बस थोड़ी देर ये सिक जाए, आप इसे अलट पलट करके पका लें दोनों साइड से। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी तैयार हो रही है। तो इसे पलट करके भी हम दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से पका लेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा तेल कम है तो आप थोड़ा सा तेल स्प्रिंकल कर सकते हैं ऊपर से, तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला है अभी। तो लगभग 10 मिनट में दोनों तरफ से अलट पलट करके हमारे बैंगन के रिंग्स तैयार हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से तैयार पक गए हैं, और इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। रेडी है हमारे ब्रिंजल रिंग्स, बैंगन के रिंग्स जिसे हम गार्निश कर रहे हैं कोरिएंडर से। इसे एंजॉय करिए, रोटी पराठा दाल राइस जिसके भी साथ भी ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। ज़रूर ट्राई करिए रेसिपी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।